नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रोशन भारत में। हयाघाट के धरती पर काफ़ी सालों बाद श्री श्री 1008 श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ का चौथा दिन था। आपको बता दें कि यज्ञ 8 तारीख तक चलेगी। आज इस यज्ञ में 7 जनेऊ और 1 मुंडन हुआ। आपको बता दें कि यज्ञ में रोजाना 1.25 लाख महादेव बनाए जाते हैं और डेली विसर्जन वहीं किया जाता है। और संध्या 7 बजे से देवी रत्नामणि जी के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है रात्रि 10 बजे तक, और उसके बाद 10 बजे से कृष्ण लीला का आयोजन किया गया है। गंगा समस्तीपुर ही नहीं, काफ़ी दूरी पर रहने वाले लोग भी आते हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है। अजीत जी, अगर मेरी आवाज़ आपके नजदीक पहुंच रही हो तो यथाशीघ्र यज्ञ मंडप के समीप पहुंचिए। अजीत जी, कराय स्वाहा, सिंह सा दुर्लभाय स्वाहा, माद्र चम्रावृताय स्वाहा, काल योगिने स्वाहा, महाप्रदाय स्वाहा, कामाय स्वाहा, चतुर्पदाय स्वाहा, ओम निषाधराय स्वाहा। वीडियो ले छो चौथा दिवस है। चौथे दिवस पर आज यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया है। यज्ञोपवीत मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरत चीज है, क्योंकि जन्म से हमें सभी लोग शुद्ध रूप में होते हैं और यज्ञोपवीत के द्वारा हम लोग जो है शुद्ध होते हैं। क्योंकि कहा गया है, जन्म ने जायते शुद्र संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार के द्वारा ही द्विज बनाया जाता है, उत्तम बनाया जाता है। तो वही आज इस यज्ञ के चौथे दिवस में उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाएगी एवं गायत्री की उपासना की शिक्षा दी जाएगी। और मेरा इस यज्ञ में उपनयन कराने का मूल उद्देश्य है सभी बच्चों के अंदर उत्तम संस्कार की जो है सो प्राप्त। और खासकर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह कैसा लग रहा है यहाँ पर यज्ञ में आप शामिल हो रहे हैं, खुद आप ही इसमें सर्वेसर्वा हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा परम सौभाग्य है कि परमात्मा नंद ने इतने उत्तम कार्य के लिए हमको चुना है और हमारे जीवन का ये 9वां यज्ञ है अपने से स्थापित करके, और मुझे ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए भगवान चुने, ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। क्या नाम है आपका? आचार्य रामनंदन दास शास्त्री।